Hi, today is 2nd of July 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. 1st of July 2020 के quiz के ये answers हैं. First question था, not true about the Indian National Congress. तो ये जो D statement है, ये not true है. Because Alan Octavian Hume एक civil servant थे, ना कि एक British professor in India. ये second question था, इधर भी not true पूछा था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में. ये जो केसरी न्यूज़पेपर था ये लॉन्च हुआ था मराठी में ना कि इंग्लिश में. देन ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो द राइट आंसर इज दिस 1784 ए. एंड देन दिस इज द फोर्थ वन, ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद चाइना एंड सी रूट, ये 1833 के एक्ट में ये मोनोपोली ख़त्म हुआ था. इससे पहले जो मोनोपोली एंड हुआ था वो एक्सेप्ट टी एंड चाइना के लिए था 1813 में. देन दिस इज गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट हुआ था. तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे. सो दिस इज 2nd ऑफ जुलाई 2020. दीज आर वोकैबुलरी. और आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इंडिया चाइना टॉक्स, रिजॉल्व LAC स्टैंड ऑफ, अभी भी हम स्टेप वाइज डी एस्केलेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं. सेकेंड इज अबाउट चाइनीज सोशल मीडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्विट किया है वीबो अकाउंट, विल हैव अ टॉक ऑन दिस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस. GST रेवेन्यू प्लंज हुआ है, विल हैव अ क्विक लुक GST क्या होता है और अभी इसमें फॉल क्यों हुआ है. इंडिपेंडेंस डे के जो इवेंट्स हैं रेड फोर्ट में होते हैं, इस बार लेस पॉम्पस अफेयर होगा. वाई? बिकॉज ऑफ दिस COVID-19. COVID-19 की अपडेट्स देखेंगे हम, डिफरेंट क्या अभी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. सिक्स्थ इज अबाउट लैक्स ऑन सेफ्टी, वाइजाग में स्टायरीन गैस लीक हुआ था, अभी दो और एक्सीडेंट्स हो गए हैं विशाखापट्टनम और ये नाइवाल थर्मल पावर स्टेशन पे, हम इससे रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे. देन सेवन्थ इज अबाउट प्रॉमिस एंड डिलीवरी, पार्शली इफेक्टिव अगर वैक्सीनेशन आ जाती है तो वो भी अभी काफ़ी पॉपुलर हो जाएगी, बट दैट डजेंट मीन कि हम बिना क्लिनिकल ट्रायल के, बिना अप्रूवल के रश्ड मैनर में ये मेडिसिन लॉन्च करें. एट्थ इज अबाउट लैंग्वेज असम, शेड्यूल 8 की बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन नाइन्थ इज हाउ नॉट टू टेम द डिजिटल ड्रैगन, हमारा अप्रोच करेक्ट है, इंटेंशंस करेक्ट है, बट जिस तरीके से हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंट्रोल गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सवाल उठते हैं. देन टेंथ इज अबाउट रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी, वेरी वेरी गुड आर्टिकल. इलेवेंथ इज अबाउट मिनिस्ट्री रिकॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसमें अभी रीशफल हुआ है. देन ट्वेल्थ इज मोर प्राइवेट ट्रेन, वर्ल्ड न्यूज में विल टॉक अबाउट ब्रेग्जिट एंड देन रशिया, इसराइल, हांगकॉन्ग बिजनेस. देन BSNL ने वॉइड किया है 4G टेंडर ओवर चाइनीज गियर और ये कुछ नई स्पीशीज मिली हैं बटरफ्लाई की. एंड देन विल हैव सम मिसलेनियस न्यूज एंड दिस इज क्विज ऑन इकोनॉमिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. ये आज की वोकेबुलरी है. फर्स्ट वर्ड है दैट इज दिस यूबिक्यूटस, इसका मतलब है ये हर जगह बहुत रेडिली अवेलेबल है, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस. प्लॉजिबल, प्लॉजिबल ऑप्शन है, प्लॉजिबल सॉल्यूशन है, मतलब वो रीजनेबल है, पॉसिबली ट्रू है. स्पैरिंगली, स्पैरिंगली मतलब बहुत कम है, मीगर है, इनसफिशिएंट है. कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग. कोरोबोरेट का मतलब होता है टू प्रोवाइड एविडेंस टू बैकअप, दैट इज दिस कोरोबोरेट, उसमें कुछ एविडेंसेस फैक्ट्स आप प्रेजेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड दिस कोरोबोरेट. देन दिस इज जेरियाट्रिक, ये एज ओल्ड जो पर्सन होते हैं उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस. देन मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड, जिसको अपन मेलिएबल कर सकते हैं, जैसे मेटल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं वो. नुएंस का मतलब होता है बहुत फाइन डिफरेंस है, सटल फाइन डिफरेंसेस है. रिप्यूडिएट मतलब रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एज अ ट्रू, आपने किसी बात को रिप्यूडिएट कर दिया, किसी इवेंट को, फैक्ट को रिप्यूडिएट किया, इसका मतलब आप उसको ट्रू नहीं मान रहे हो. स्क्रप्यूलस का मतलब है पेइंग ग्रेट अटेंशन इन डिटेल. So these are some essential vocabulary words. If you come across any other word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Let us start the discussion now. पहला जो news है that is about this India-China talks है, resolve करेंगे LAC standoff को. Meanwhile हमारे यहाँ military जो presence है वो भी हम increase कर रहे हैं, ये Indian fighter jet है, fly कर रहा है Himalayan mountain range in Leh. हम अभी भी emphasize कर रहे हैं कि हम डी
एस्केलेशन करें और वो भी स्टेप वाइज मैनर में। अभी कमांडर लेवल टॉक्स हुआ, कमांडर्स ने एम्फेसाइज किया कि एक्सपीडिशियस करें फेज्ड और स्टेप वाइज डी एस्केलेशन को। थर्ड राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक अभी हुआ है। मीनवाइल पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पे ट्रूप्स इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान के साइड से। अगेन दिस इज़ इवेंचुअली, हमें प्रिपेयर भी रहना चाहिए, अगर टू फ्रंट अगर कुछ हमें कन्फ्रंटेशन होता है तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। मिलिटरी बिल्डअप ऑन गोइंग है। ये प्री मे 5 की जो पोजीशन थी स्टेटस को आंटी, इसमें इंडिया डिमांड कर रहा है कि आप रीस्टोर करो जैसे पहले की परिस्थितियां थी, जो पोजीशन थी दोनों आर्मी की वही पोजीशन पे रीस्टोर करें, प्री मे 5 पोजीशन पे। ये इंडिया की डिमांड है डी एस्केलेशन के लिए। सो दिस इज़ न्यूज़ रिगार्डिंग दिस चाइना। यहाँ मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर ने क्विट किया है चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट को। ये वीबो अकाउंट था प्राइम मिनिस्टर का, इसको क्विट किया है। मीनवाइल इंडिया ने बैन किए थे 59 चाइनीज ऐप्स। रीज़न दिया है डेटा सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी इशू का। ये जो चाइनीज ऐप हैं अभी ये अपील फाइल कर सकते हैं, इसके लिए विंडो ओपन है। मीनवाइल जो सोशल मीडिया है इसको अक्सर बोला जाता है ये डबल एज्ड सॉर्ड है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बट बहुत ज़्यादा इसके एंट्रोपी भी क्रिएट करता है, रॉन्ग डूइंग्स भी होती है। तो सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं इसका यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। इससे वैल्यू एडिशन भी होता है और न्यूएंसेस भी क्रिएट होते हैं। देन गवर्नेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप ट्विटर में हम देखते हैं इतने सारे गवर्नमेंट के हैंडल्स हैं एंड दे कीप ऑन शेयरिंग सो मेनी गुड थिंग्स। और सर्वेलेंस के लिए भी होता है, जैसे अभी आरोग्य सेतु ऐप पे कुछ सवाल उठे थे कि इसमें डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉपर मेजर्स हैं या नहीं है। सो गवर्नेंस के लिए भी यूज़ है और सर्वेलेंस के लिए भी है, रेगुलेशन भी है या फिर इसको फ्री रन दें। ऐसे बहुत सारे कन्फ्रंटिंग यहाँ पे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं सोशल मीडिया के लिए। इसमें एक व्यू पॉइंट डेवलप करना ज़रूरी है। तो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका यूजेज जो है वो हमें कैसे आगे रेगुलेट करके आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड ट्राई टू यूज़ इट इन अ प्रोडक्टिव वे। वैल्यू एडिशन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए और अ पार्टली रेगुलेटेड सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड। रेगुलेशन वर्सेज फ्री रन, ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। देन दिस इज़ द थर्ड वन, जीएसटी रेवेन्यू प्लंज 41%। जो जीएसटी है ये अप्रैल जून क्वार्टर का 1.86 लाख करोड़ रुपये आया है, जो 41% कम है प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। ये क्लियर इंडिकेटर है कि कोविड 19 का इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल। एक रीज़न और हो सकता है, वो ये रीज़न ये है कि टैक्स फाइलिंग जो होती है उसमें गवर्नमेंट ने कोविड 19 के कारण कुछ रिलैक्सेशन दिए, तो बहुत सारे लोगों को अप्रैल जून में टैक्स फाइल करना था बट उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो दिस कुड ऑल्सो बी वन रीज़न कि अप्रैल जून में यहाँ पे कम टैक्स फाइलिंग हुआ है। मीनवाइल अगर अपन क्विकली रिवाइज करें तो जो जीएसटी है ये 101 CAA के थ्रू आया था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कीवर्ड्स है ना, ये आंसर में तुरंत रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब इसने सब्ज्यूम किया है बहुत सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये मल्टी स्टेज है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, इसकी 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18 and 28। पेट्रोलियम अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी इसमें कवर्ड नहीं है। एक जीएसटी काउंसिल होती है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम और स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं। ये डिस्कस करते हैं कंपनसेशन सेस एंड ऑल डिफरेंट जो होता है, कलेक्टिव वे में ये यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी माना जा रहा था बट ये इतना भी ज़्यादा यूजफुल और इतना भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी अभी शॉर्टकमिंग्स हैं जिसको आयरन आउट करना ज़रूरी है। देन दिस इज़ जीएसटी रेवेन्यू। यहाँ पे बात है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस डे इवेंट होती है रेड फोर्ट में। इस बार ये लेस पॉम्पस अफेयर होगा दिस ईयर में। ये ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं वहाँ पे।
इस बार फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात होगी। मीनवाइल जो स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं उसको यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज उनको रिस्क नहीं देना है। देन रिपब्लिक डे जो है ये इसमें प्रेसिडेंट फ्लैग हॉइस्टिंग करते हैं। रिमेंबर दिस, जो 26 जनवरी होती है इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो फ्लैग हॉइस्टिंग करते हैं 26th ऑफ जनवरी को राजपथ में, और जो इंडिपेंडेंस डे होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्लैग हॉइस्टिंग करते हैं 15th ऑफ अगस्त एट रेड फोर्ट। अब ये जो रेड फोर्ट है ना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे लेके बाद तक रेड फोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रेड फोर्ट, हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अभी एक धरोहर और ऐसे एक कैंपेन भी आया था जिसमें ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इसको प्राइवेट सेक्टर अडॉप्ट कर सकता है और इसका केयर, मेंटेनेंस एंड ऑल पे वो वर्कआउट करेगा। तो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रेड फोर्ट। देन ये COVID-19 अपडेट्स हैं। COVID-19 में मीनवाइल यहाँ पे वार्निंग दिया है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वायरस है। ये जो COVID-19 का वायरस है ये अनप्रेडिक्टेबल है। चाइना में हमने बीजिंग में भी देखा था रिलैप्स हुआ है। नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं, कोविड वॉरियर हैं, इनका भी लाइफ एट रिस्क है। हाईकोर्ट ने मीनवाइल कहा है कि यूज़ ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्टिंग एक्सपैंड करें, इससे क्विक रिजल्ट्स आने में हमें हेल्प होगा। बिकॉज हमारा जो बॉटलनेक आ रहा है वो टेस्टिंग है, हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। मीनवाइल COVID-19 का इम्पैक्ट लाइफ के हर स्फीयर में देखने को मिल रहा है। ये जो विट्ठल टेम्पल है यहाँ पे आषाढ़ एकादशी का काफ़ी अच्छा फेयर होता है, यहाँ पे पूजा होती है, और यहाँ पे भी इस बार म्यूटेड अफेयर्स था। सिमिलरली गणपति बप्पा आ रहे हैं तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी है उसको कैंसिल किया है और उसकी जगह अब यहाँ पे होल्ड करेंगे प्लाज्मा डोनेशन कैंप, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। दोज हु आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू स्टेरॉइड्स उनको कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में हम एनकरेज करेंगे। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, इसमें जो पेशेंट्स क्योर हो गए हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है, वो प्लाज्मा हम प्रोफाइलेक्टिक के लिए, और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको अगर अपन डिलीवर कर दें तो वो भी इम्यून हो जाएंगे COVID-19 से। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। और ये एक बहुत स्मार्ट इनोवेशन है, ये है स्मार्ट स्वाब। एक रोबोट बनाया है, दिस इज़ अ रोबोट, और ऐसे ये स्वाब कलेक्शन कर लेगा। इम्पॉर्टेंस क्या होगा इसका, कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, और ये जो रोबोट होगा ये इजीली स्वाब कलेक्ट कर लेगा। इससे जो हेल्थ केयर पर्सनल है उनका जो रिस्क है एक्सपोजर टू दिस COVID-19 है वो मिटिगेट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। COVID-19 में हमने बहुत सारे इनोवेटिव इन्वेंशंस देखे हैं, इनोवेटिव लोगों ने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं टू फाइट दिस COVID-19। हमने ITI ओडिशा में देखा था, काफ़ी अच्छे उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस बनाए हैं फॉर दिस COVID-19 फाइट। देन दिस इज पेज नंबर 2, द मिसिंग रूटीन। रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू ग्रो ओल्डर यू वुड रियलाइज रूटीन और डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। द मिसिंग रूटीन। देन दिस इज कॉम्प्लासेंसी नहीं रखनी है COVID-19 के कोचेज। इंडियन रेलवे का भी जो ट्विटर हैंडल है ना दैट इज़ एक्सेलेंट, वहाँ पे ये बहुत ऐसे अपडेट्स और शॉर्ट वीडियोस शेयर होते हैं, हैव अ लुक। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है। सी, यहाँ पे जो विट्ठल जी की पूजा थी टेंपल, वहाँ पे म्यूटेड अफेयर रहा है। देन ये इस बार गणेश चतुर्थी के अफेयर्स इन्होंने यहाँ पे कैंसिल किए हैं और उसके बजाय यहाँ पे ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप ये ऑर्गेनाइज करेंगे। देन दिस इज़ एडिटोरियल लैक्स ऑन सेफ्टी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हम इंडिया बनना चाहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने का सपना देख रहे हैं, और इस टाइप के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वहाँ पे हम लैक्स हो जाते हैं और ये एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हमारी कैपेसिटी पे। डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं, पॉइंट करते हैं लो प्रायोरिटी दैट लॉ एंड प्रोटोकॉल गेट। हम इस चीज़ पे बिल्कुल एम्फेसाइज नहीं करते हैं, विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी। हम नियम का पालन नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं। विशाखापट्टनम में अभी गैस लीक हुआ और ये नेवाइल थर्मल पावर स्टेशन में भी एक एक्सीडेंट हुआ है। वी नीड टू इंटरनलाइज अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस। ये जो एटीट्यूड होता है ना, चलता है एटीट्यूड, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए यहाँ पे। देन यहाँ पे वी नीड टू डू दिस।
विशाखापट्टनम में इससे पहले एक बार गैस लीक भी हुआ था, वाइजाक गैस लीक, स्टायरीन। अभी जो गैस लीक हुआ है दैट इज दिस बेंजीमिडाजोल। ये जो बेंजीमिडाजोल है ये यूज होता है फार्माक्यूटिकल में। अब हम इतने टॉल प्रोमिसेस करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, बट अगर हम ऐसे प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स एंड दिस डिसिप्लिन नहीं है हमारा, तो इससे एक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन है ऑन मेंटेनेंस पे, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स फॉलो क्यों नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट और क्विक प्रोब होना यहाँ पे ज़रूरी है। सी, एक्सीडेंट्स आर मोस्टली प्रिवेंटेबल होते हैं। ये हमने ज्योग्राफी क्लास सेवन्थ क्लास इलेवेंथ में सेवन्थ चैप्टर जो है हैजार्ड्स और डिज़ास्टर उसमें बहुत अच्छे से बताया है, नेचुरल हैजार्ड्स और मैनमेड हैजार्ड्स, मैनमेड डिज़ास्टर्स। तो जो हैजार्ड होता है वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट होता है, और ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं ना वो मोस्टली होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। हम प्रिवेंटेबल हैं। ये रेयरली इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में हम प्रोटोकॉल एंड सेफ्टी मेजर्स ध्यान नहीं रखते हैं, इम्पेकेबल अटेंशन होना चाहिए, सेफ्टी, सेफ्टी पैरामाउंट होती है। इंडिया एस्पायर कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो इट शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी, सेफ्टी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, लैक्स ऑन सेफ्टी इज नॉट राइट। देन ये है प्रॉमिस एंड डिलीवरी। कोविड 19 में हमने देखा एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिटियरिंग, ये इनमें हमें समझना ज़रूरी है। एक और चीज़ है प्रॉमिस और डिलीवरी का। अभी क्या है कि कोविड 19 की वैक्सीनेशन नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है, तो अगर कोई पार्शियली इफेक्टिव ड्रग भी आ जाए तो वो भी सुपर हिट हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ऑल ओवर द वर्ल्ड सब रेस कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, और उस जल्दबाजी में समटाइम्स दे आर नॉट एडहेरिंग टू रेस्पेक्टिव नॉर्म्स। वैक्सीन अभी डिमांड पर है, बट एट द सेम टाइम फिर से सेफ्टी बहुत पैरामाउंट होती है। कोवैक्सीन का अभी फर्स्ट इंडिजीनस वैक्सीन है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलके बनाया है, ह्यूमन ट्रायल है इसका। फेज वन जो है इसमें हम इनएक्टिवेटेड कोविड 19 वायरस, मतलब जो किल्ड वायरस है, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और टेस्ट करेंगे कि एफिकेसी कैसी है इस मेडिसिन का। पेंडेमिक रेजिंग है, डे बाय डे नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज, वैक्सीनेशन है नहीं, एंटीवायरल है नहीं, तो हर कोई ट्राई कर रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, अटेम्प्टिंग क्विक फिक्स एग्रेसिव टाइमलाइन पे। दिस इज़ गुड, बट इससे अगेन लैप्सेस होते हैं, हम बाईपास कर देते हैं सर्टेन क्रूशियल स्टेजेस ऑफ द ट्रायल, और फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, पूरी प्रोसेस काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। और साइंटिस्ट में, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, ड्रग मैन्युफैक्चरर की जो ऑथेंटिसिटी होती है, ट्रस्ट होता है, उसका ब्रीच होता है। साइंटिस्ट अगर डेवलप करेंगे सेफ और एफिकेशियस वैक्सीन सून, तो जो पब्लिक ट्रस्ट है साइंस में कुड ग्रो सब्सटेंशियली। बट अगर इसका उल्टा हुआ, ऑपोजिट हुआ, ये फेल हो गए, तो फिर क्या होता है, पूरा रेपुटेशन खराब हो जाती है। रेगुलेटरी एजेंसीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें ज़रूरी है कि रेगुलेटरी एजेंसी अपने जो गार्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, एंश्योर करें कि कोविड 19 की वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी आए, बट ये नहीं कि आपने जो पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको बाईपास कर दिया। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, प्रॉमिस एंड डिलीवरी। देन यहाँ पुलिस रिफॉर्म एंड क्रूशियल जुडिशियल एक्टर, ये कमेंट्री है, तमिलनाडु में पुलिस एट्रोसिटीज़ के कारण यहाँ पे कुछ सर्टेन पेनफुल केसेस हुए, और उसमें जुडिशियल एंगल एंड ऑल दे हैव टॉक्ड ओवर हियर। देन दिस इज़ अ स्ट्राइकिंग ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव एथोस। लैंग्वेज बैरियर भी है, इंटीग्रेट भी करता है, इट्स अप टू अस। लैंग्वेज असम, इंडिया में भी अगर अपन पोस्ट दिस इंडिपेंडेंट इंडिया देखें, तो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था, लैंग्वेज से लोग खुद को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट अगेन, लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेट या फिर फिशर्स क्रिएट नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। असम का जो गवर्नमेंट है वहाँ पर प्रोमलगेट किया है एक लॉ कि असमीज जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी हो जाएगी स्कूल्स और पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस में। ये नॉट एप्लीकेबल होगी बराक वैली, बोडोलैंड और सिक्स्थ शेड्यूल में। कम्युनिटीज़ जैसी हैं मिसिंग, डेवरीज, राभा। अब प्रॉब्लम ये है, असम जो है ना ये बहुत ज़्यादा वेरिड है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप एक चीज़ सब जगह फोर्सफुली अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो माइनॉरिटी है या फिर कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी है, वो सप्रेस हो जाती हैं। लिंग्विस्टिक हायरार्की और होमोजेनाइजेशन, इस पर अक्सर डिबेट उठते हैं। अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी देखो ना, तो इनिशियली हम लैंग्वेज बेस्ड फॉर्मेशन नहीं चाहते थे। शुरू में जो पहले कमीशन्स बनी, JVP, धर कमीशन एंड ऑल, उन्होंने प्रमोट नहीं किया था कि लैंग्वेज बेस्ड नहीं बनने चाहिए स्टेट।
जो होना चाहिए क्राइटेरिया वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ईज होना चाहिए, बट अगेन लैंग्वेज सेंटिमेंट्स होते हैं उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लैंग्वेज पर फिर भी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए, फिशर्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, कल्चरल जो इथोज है वहाँ पे वी नीड टू चेक ऑन दिस। अब यहाँ पे बात है, बिकॉज हमारा जो है दैट इज़ डिस्कशन प्योरली हम पॉलिटिकल एंड सिलेबस से ओरिएंटेड होना चाहिए, सो विल टॉक अबाउट दिस, व्हाट इज़ शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताओ ये शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कितनी जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है या नहीं है उसमें, टेल राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट दिस शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन दिस इज पेज नंबर 6, ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाउ नॉट टू टेम द डिजिटल ड्रैगन। अब इधर काउंटर प्रोडक्ट काउंटर व्यू है, यहाँ पे काउंटर व्यू है, एक ये व्यू ये है कि बैन करना चाहिए, ये दूसरा व्यू है कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड बोथ व्यू पॉइंट्स, दोनों पता होना चाहिए। हाउ नॉट टू टेम द डिजिटल ड्रैगन, ये जो बैन हुआ 59 ऐप्स का आर्बिट्ररी कहा गया, ये अंडरमाइन कर रहा है लीगल प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। नाउ दिस इज द थिंग, इंडिया में हमेशा चलता है रूल ऑफ लॉ, कुछ भी करना है तो वो नियम के हिसाब से होगा, पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, रूल बनता है, लॉ पास होता है, तब फिर वो एक्शन लिया जाता है। एग्जामिनेशन एंड डिबेट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ चलता है यहाँ पे, और ये हॉलमार्क है डेमोक्रेसी का, क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटी, हॉलमार्क है डेमोक्रेसी का। अब दो कंसर्न्स हैं यहाँ पे, हमने अगर ऐसे बैन किया, एक कंसर्न है प्राइवेसी और डेटा कंसर्न का। अब प्राइवेसी एंड डेटा कंसर्न हमने चाइनीज फर्म्स के अगेंस्ट रखा, बट वॉट अबाउट यूएस, वॉट अबाउट इंडियन फर्म्स, प्राइवेसी एंड डेटा कंसर्न तो यूनिवर्सल होने चाहिए। दूसरा कंसर्न है फाउंडेशनल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये जो नेक्स्ट वेव ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है, 5G आएगा, 5G रिवोल्यूशनराइज कर देगा हर चीज़ को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसमें क्या एक पॉलिसी और गाइडलाइंस करें, इस पर एक सिस्टमेटिक हमारा मेथड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है और ऑपरेशनल कंट्रोल है, आप इंडिया में जो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, आप इसमें देखो पैसा कहाँ से आया है, ये इसका फाउंडेशनल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, और अगर इन्वेस्टमेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट है तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास ऑपरेशनल कंट्रोल भी होगा, तो इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, तो हम सिस्टमेटिक गाइडलाइंस क्यों नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, हम एडहॉक प्रोविजन क्यों कर रहे हैं, एडॉक प्रोविजन से बेनिफिट्स नहीं आएंगे, वी नीड टू एड्रेस दिस सिस्टमेटिकली। देन एक और बात है कि हम चाइना को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशंस हैं, ओपन नहीं है चीज़ें, डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर सेकिंग अवर डेमोक्रेटिक वैल्यू इज टू हाई अ प्राइस टू पे इफ द गोल इज टू न्यूटर द डिज़ाइन ऑफ एन एग्रेसिव सिंगल पार्टी स्टेट। हम चाइना का काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन दी एंड हम भी चाइना जैसा बनता जा रहा है। सो टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी और नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया को बहुत कॉशियस रहना चाहिए, और एज ओल्ड अडेज याद रखनी चाहिए। ये जो अडेज होती है, प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें होती हैं, ये काफ़ी ट्रू होती हैं। एज ओल्ड अडेज बोलती है बींग केयरफुल, बहुत केयरफुल रहो आप किसको हेट कर रहे हो, बिकॉज आप जिसको हेट कर रहे हो ना, आप इन दी एंड आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो केयरफुल ऑफ होम वी हेट, फॉर वी मे एंड अप जस्ट लाइक देम। तो अगेन सम वेरी गुड पॉइंट्स रिटन ओवर हियर। देन दिस इज स्ट्रीमिंग फॉर रीडिंग, इसमें बताया है सेम लैंग्वेज सटलिंग फॉर विजुअल कंटेंट कैन एनेबल अ व्यूअर डेवलप लाइफ लॉन्ग रीडिंग एंगेजमेंट। लैंग्वेज अगेन जो होता है कंटेंट, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये बात है डिजिटल पॉलिसी का, इंडिया में अगेन इसी का कंटिन्यूएशन में ये आर्टिकल है कि डिजिटल पॉलिसी एक होना क्यों ज़रूरी है, और वो स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए और वेल एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, वो थॉटफुल होनी चाहिए। कंट्री नीड्स टू अट्रैक्ट FDI, अब हमारे पास FDI का भी प्रॉब्लम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि ग्रोथ हो इकोनॉमी का। एक तरफ हम देख रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, इसके लिए हमें FDI रिक्वायर्ड होगी। COVID-19 के कारण जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्लंज हुई है, नॉट ओनली अवर्स बट वर्ल्ड का भी। इन्वेस्टमेंट अब एसेंशियल है, इन्वेस्टमेंट का भी अगर अपन पैरामीटर्स देखें तो इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में डिप हुआ है एक्सेप्ट वन, दैट इज़ दिस डिजिटल सर्विसेज। FDI डिजिटल सर्विसेज में आर ऑन राइजिंग ट्रेंड है यहाँ पे, और इसका हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सर्विसेज में, देर आर सो मेनी, डिजिटल इज़ नेक्स्ट बिग थिंग, और इंडिया इसके लिए आइडियली लोकेटेड है, बिकॉज इंडिया में डिजिटाइज्ड यंग पॉपुलेशन है और ये बहुत तेज़ी से टैक्स सेवी बनती जा रही है। अब यहाँ तीन प्रॉब्लम आती है,
थ्री पेंडिंग मेजर्स हैं जो FDI फॉरेन कंट्री से इंडिया में आने से स्टॉप होता है, वो रीथिंक करते हैं, उनको थोड़ा इश्यूज आते हैं इसमें। ये तीन पेंडिंग मेजर्स क्या हैं? पहला, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इस पर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सेकेंड, जो ई कॉमर्स पॉलिसी है इस पर भी अभी डिबेट चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन है और जो रिटेल वाले स्टोर्स होते हैं इन दोनों में अक्सर टसल है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो ई कॉमर्स पॉलिसी भी एक स्ट्रीमलाइन और एग्जॉस्टिव होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। और IT अमेंडमेंट एक्ट में भी मोर क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर ये बॉटलनेक्स आते हैं तो जो FDI आनी चाहिए डिजिटल सेक्टर में, फुल फ्लो आना चाहिए, वो स्टॉप हो जाता है। सो वी नीड टू एड्रेस दिस। देन प्रोटेक्ट करें डोमेस्टिक मार्केट को, गवर्नमेंट का ये अप्रोच रहता है। गवर्नमेंट एक्सेस लेना चाहती है डेटा को भी, और इससे अनसर्टेनिटी रिजीम बनती है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो FDI नहीं लाते हैं। US के साथ बायलेटरल ट्रेड है, अग्रीमेंट है डिजिटल सर्विसेज पे, ये अभी पेंडिंग है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। अब 2020 हमने अभी UNSC में भी इंडिया जा रहा है परमानेंट, दिस नॉन परमानेंट सीट में, और जो आने वाला टाइम है इसमें स्टार्स बहुत अच्छे अलाइंड है, इंडिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है। अभी G20 का जो नेशंस है उसका समिट भी 2022 में इंडिया में होगा, तो ये जो पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड है इसमें जो डिजिटल स्फेयर है ये काफ़ी डोमिनेट करेगा, लॉज जो हैं ये चेंज होंगे, इस टाइम को इंडिया को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। स्टेप्स इंडिया टेक्स नाउ कुड वेल वेल एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ ट्रू ग्लोबल लीडर। अभी इंडिया को मायोपिक सोचना नहीं चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे सोचना चाहिए, हम ग्लोबल लीडर बनने में यहाँ पे अपना स्ट्रेंथन पोजीशन कैसे कर सकते हैं। तो रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी, गुड पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज़ डॉक्टर्स डे था कल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका वर्क अप्रिशिएट हुआ है और होना भी चाहिए, दे आर डूइंग सो मच फॉर अवर सेल्फ अवर सोसाइटी। देन अवर ये डॉक्टर्स डे में ऐसे एक्टिविटीज़ हुई है यहाँ पे। देन दिस इज़ मिनिस्ट्री रिकॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी यहाँ पे MOEFCC ने ऐसा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी। इस पर अक्सर क्वेश्चन आए हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी पे, इंक्लूड होता है एक्सपर्ट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भी होगा इसकी अथॉरिटी में, और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी होगा, दीज टू आर न्यू एडिशन सेंट्रल जू अथॉरिटी में। सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये स्टैचुरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। एनवायरमेंट मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, जैसे नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है बताइए, तो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। रेगुलेट करते हैं जूज अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज जूज मतलब ये जो एनिमल्स हैं इनको हम सिटी या अर्बन एरियाज एंड प्लेसेस में एक प्रोटेक्टेड एनक्लोज्ड कॉरिडोर में रखते हैं, दैट आर कॉल्ड जूज। ये पूरे इंडिया के जूज को रेगुलेट करते हैं। एनिमल का ट्रांसफ़र करना है, से कई बार हम देखते हैं ओडिशा से ट्रांसफ़र हुआ है न्यू दिल्ली के जू में, या कोलकाता से गया है गुजरात में, एनिमल ट्रांसफ़र केयर और इसमें गाइडलाइंस क्या रखनी है। जू कैन टेक कॉल ऑन ओपनिंग टू विजिटर भी अभी यहाँ क्लैरिफाई किया है, बिकॉज अनलॉक 2.0 में हम स्लोली इकोनॉमी एंड लाइफ को रीओपन कर रहे हैं, तो ये सेंट्रल जू ऑफ अथॉरिटी का काम है और जू अभी रीओपन करने का सोच रहे हैं। तो दिस इज मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये प्राइवेट ट्रेन्स अभी बढ़ेंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, रिड्यूस होगा ट्रांजिट टाइम, प्राइवेट सेक्टर को बिडिंग प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, कंसेशन पीरियड से 35 ईयर का है, गवर्नमेंट पुश कर रही है। अभी इन्होंने जैसे लखनऊ दिल्ली का तेजस एक्सप्रेस किया था ट्रायल में, प्राइवेट ट्रेन थी ये, ऐसी नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेन को इंक्रीज करने का अभी गवर्नमेंट का प्लान है। एनहेंस्ड सेफ्टी एंड सर्विसेज पे एम्फेसाइज रहेगा यहाँ पे। देन असम में फ्लड काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ये ई कॉमर्स की गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं। देन दिस इज़ इंडियन सिल्वर बिल, ये हांगकांग में नया लॉ आ गया है, हांगकांग में जो नया लॉ है इसमें अगेन क्लैशेस बढ़ रहे हैं, चाइना जो है उसका से बढ़ता जा रहा है इस हांगकांग की पॉलिसी एंड दिस लाइफ में। यहाँ मीनवाइल जो दूसरा न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस ब्रेग्जिट, मर्कल जो चांसलर हैं जर्मनी की, ये अर्ज कर रही हैं यूरोपियन यूनियन प्रिपेयर रहे कि नो डील ब्रेग्जिट भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं हार्ड ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या होता है, लेट अस हैव अ क्विक लुक, इसको हमने पहले भी काफ़ी डिटेल में देखा है। ब्रिटिश एग्जिट, ब्रेग्जिट, ब्रिटिश एग्जिट इज़ ब्रेग्जिट, ब्रिटिश का एग्जिट कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटिश एग्जिट। 17.4 मिलियन पीपल ने वोट किया था, 52% ने कहा था जब जून 2016 में ब्रिटिश पे ब्रेग्जिट पे रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन में,
तो 52% ने बोला था हम यूरोपियन यूनियन से हटना चाहते हैं, हम ब्रेग्जिट होना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल यूनियन है 28 यूरोप नेशंस का। यहाँ फ्री ट्रेड है, मूवमेंट ऑफ पीपल है। यूके ने 1973 में इसे ज्वाइन किया था। 31 जनवरी को यूके फॉर्मली लेफ्ट हो गया है। अभी 2020 जो था 31 जनवरी को, तब हमने इसे कवर किया था। अभी अब नेगोशिएशंस थी कि फ्यूचर रिलेशन कैसा होगा ईयू का और यूके का। ट्रांजिशन पीरियड दिया था 11 महीने का, न्यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट करने का टाइम दिया था, विड्रॉवल अग्रीमेंट का बात किया था। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 सब चीज़ डिले भी हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, अग्रीमेंट नहीं बन रहा है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नो डील ब्रेग्जिट अब हो जाएगा। मीनवाइल ये न्यूज़ है रशिया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे यूएस में होता है ना, 4 साल का प्रेसिडेंटशिप है, एक 4 ईयर्स और मिलेगा, 8 साल होगा। पहले रशिया में भी ऐसे ही होता था, अब ये टर्म्स हट गए हैं। जैसे व्लादिमिर पुतिन है, ये 1999 to 2008 देन प्रेसिडेंट रहे, ये देन 2008 to 2012 क्या था, जब इनके 8 साल कंप्लीट हो गए तो ये बन गए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और फिर 2012 से ये फिर से बन गए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन गए, और इसका साल भी बढ़ा दिया इन्होंने, 6 ईयर्स का कर दिया प्रेसिडेंटशिप। अब यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंशियल जो टर्म लिमिट है उसको रीसेट कर दिया है, तो मतलब पोटेंशियली 2036 तक दिस व्लादिमिर पुतिन कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रशिया। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़ में इसराइल की बात है, 30% टेरिटरी ऑफ दिस वेस्ट बैंक, कल हमने ये आर्टिकल भी पढ़ा था, इसराइल वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक यहाँ पर है और गाजा स्ट्रिप इधर है टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन। वेस्ट बैंक 30% टेरिटरी इसराइल यहाँ पे एनेक्स करने का प्लान है, बट ये फिलहाल के लिए डिले हो गया है। हांगकांग में नया सिक्योरिटी लॉ है। दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। ऑटो जो सेल्स है ऑटोमोबाइल का, ये फिर से धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, फ्लैग रोड टू रिकवरी। BSNL मीनवाइल, BSNL ने वॉइड कर दिया है 4G टेंडर ओवर चाइनीज गियर। नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑलरेडी BSNL के पास 4G सर्विसेज नहीं थी, अभी चाइनीज गियर भी इसने वॉइड कर दिया है, सो दिस इज़ अगेन वन थिंग। फैक्ट्री एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ, यहाँ पे लिखा है वाई, बिकॉज ऑफ कोविड-19। दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो वर्क फोर्स नहीं है बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर चले गए, और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो है डिमांड डिप का, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट्स आर डाउन, पीपल आर नॉट परचेजिंग, तो सप्लाई एंड दिस डिमांड दोनों में चैलेंजेस हैं। ये देन बिजनेस न्यूज है, और ये न्यूज है दिस लास्ट में, दैट इज अबाउट दिस न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज। बटरफ्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक बार सवाल आया था महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई ये जो है इसका नाम क्या है, बटरफ्लाई जो है इसकी दो नई स्पीशीज आई हैं इंडिया की लिस्ट में, ये एक्सपर्ट्स होते हैं बटरफ्लाई के, अरुणाचल में इन्होंने फाइंड किया है, दिस स्ट्राइब्ड हॉर्स स्ट्रीक, हेयर स्ट्रीक और इल्यूजिव प्रिंस, ये दो बटरफ्लाइज हैं ऐसी, ये स्ट्राइब्ड है, हेयर स्ट्रीक है। ये जो बटरफ्लाई है ना, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में कुछ भी चेंज होता है, बटरफ्लाइज में तुरंत इम्पैक्ट आता है उसका, तो ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज का। और इनकी डाइवर्सिटी जो होती है, अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी है मतलब एनवायरमेंट इज गुड, इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पे बना हुआ है अगर बटरफ्लाइज आर डूइंग गुड। देन ये कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम कैंपेन लॉन्च हो रहा है क्लास 1 to क्लास 8। प्रॉब्लम ये है बच्चों को अभी स्कूल भी नहीं भेज सकते, 31 जुलाई तक बंद है सारे स्कूल्स एंड क्लासेस, और इनको घर पर ही स्कूल टाइप फैसिलिटी देने का प्लान है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे उन्हें ताकि एजुकेशन हैम्पर नहीं हो। मत्स्य संपदा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हमने आंसर राइटिंग भी किया है, इसका फर्स्ट एडिशन अभी लॉन्च हुआ है। अब ये है MCQ इकोनॉमिक्स के, पहला सवाल है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, टेल मी व्हाट इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या ये टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री, क्या ये टोटल वैल्यू है ऑल द ट्रांजेक्शन इन द कंट्री, क्या ये रिडक्शन इन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, या ये टोटल वर्थ है गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो टर्म्स होते हैं ना इकोनॉमी में वेरी इंपॉर्टेंट, GDP देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर इन मार्केट, रिटेल, ये सारी कॉस्ट, तो बताइए व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जो कैपिटलिज्म टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, नाइन्थ 10th
और 11th ये एनसीईआरटी हमने इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कर ली है, इसको एक बार आप पढ़िए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो बेसिक्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर एक बार बेसिक्स क्लियर है तो फिर न्यूज़पेपर एंड ऑल से हम एनरिचमेंट करते हैं उसमें और लेयर्स क्रिएट करते हैं, बट बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कैपिटलिज्म होता है इसमें क्या मतलब है, यूज़ ऑफ मार्केट है, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल है, प्राइवेट ओनरशिप है, या फिर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स को बोलेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैपिटलिज्म? देन द लॉ ऑफ डिमांड। अब एनसीईआरटी में ना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज, प्राइस राइजेज, प्राइस क्वांटिटी दोनों बढ़ रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड फॉलो रहा है, सप्लाई और डिमांड का ये इक्वेशन है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज द करेक्ट वन, डिमांड मींस। देन व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स से क्या मतलब होता है? स्टॉक्स अवेलेबल फॉर सेल क्या है, टोटल स्टॉक वेयरहाउस में क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड का क्या सिचुएशन है, क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। तो व्हाट यू मीन बाय दिस सप्लाई ऑफ गुड, वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं ये सारे। देन इंडिया में विच बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में? ये अलग टाइप ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में, बैंकिंग्स हैं, ये पैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक का ज़्यादा परसेंटेज है, या आरआरबी, या कमर्शियल बैंक, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का? डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट, पैसा उधार, टू एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में, खेती जो किसानी रिलेटेड काम है उसमें ज़्यादा किसका परसेंटेज है, शेयर किसका ज़्यादा है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ अ कमोडिटी? अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिमांड का मतलब क्या होता है कमोडिटी में? डिजायर, नीड, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड सर्टेन प्राइस में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन, नंबर सिक्स, नंबर फाइव, नंबर फोर, नंबर थ्री, दिस इज नंबर टू, और ये है नंबर वन। सो टुडे वी रेड अबाउट क्विज, मिसलेनियस, बटरफ्लाई, वर्ल्ड न्यूज़ में बिजनेस, हांगकांग, इसराइल देखा, रशिया देखा, प्रेसिडेंशियल लिमिट और ब्रेग्जिट हमने क्विकली समझा, प्राइवेट ट्रेन्स, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है सेंट्रल जू अथॉरिटी, फिर ये प्रॉब्लम है हमारी डिजिटल पॉलिसी में, ये चैलेंजेस हैं और वी नीड टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल, ये डिजिटल ड्रैगन को कैसे टेम करना है, लैंग्वेज असम, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, शेड्यूल एट का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देन प्रॉमिस एंड डिलीवरी, लैक्स ऑन सेफ्टी, अगेन वी शुड नॉट हरी, जल्दबाजी नहीं, लैक्स ऑन सेफ्टी, और ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एंड ऑल, कोविड 19 अपडेट है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, सोशल मीडिया इज अगेन डबल एज्ड सॉर्ड है, हमें इसे कैसे अपना यूजफुल बनाना है, चाइनीज सोशल मीडिया, रिजॉल्व एलएसी स्टैंड ऑफ, वोकेबुलरी, एंड दिस इज 2nd of July 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।